हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे दो सदिशों का अदिश या डॉट गुणनफल। फर्स्ट है हमारा अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात सदिश ए डॉट सदिश बी इज इक्वल टू सदिश बी डॉट सदिश ए। अर्थात हम सदिशों के डॉट गुणनफल का क्रम चेंज भी कर दे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम, अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, अर्थात कैसे होगा, सदिश ए डॉट कोष्टक में सदिश बी प्लस सदिश सी, जिसे हम सॉल्व करेंगे आगे। तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, जो सदिश ए है उसका मल्टीप्लिकेशन हम सदिश बी के साथ करेंगे, पर बीच में क्या लगाएंगे, डॉट, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, और सदिश ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम सदिश सी के साथ, पर बीच में क्या लगते जाएगा, डॉट लगते जाएगा। अब थर्ड नंबर का देखते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है, मींस वो जब ए कब होता है तो वे एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, अर्थात थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री हो, तब क्या हो जाएगा, सदिश ए डॉट सदिश बी इज इक्वल टू जीरो। फोर्थ नंबर का देखते हैं हम, किसी सदिश राशि का वर्ग अदिश होता है, मीन्स अगर हम सदिश ए डॉट सदिश ए करें तो वहां पे क्या हो जाएगा, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, ए।